ये जो बॉलिंग साल में अभी तक फॉरफैक्ट प्लस एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन जो लिया गया है आज तक तो बहुत कम मात्रा पे लिया गया है, मतलब एज कम्पेयर जो कम्पेयर जो अदर सर्कल ऑफ चालान डिस्ट्रिक्ट। तो आप की तरफ से कुछ अपील लोगों को कि आए और वैक्सीनेशन दें। मेरा तो यही अपील होगा बोडुमसा का जितना भी पब्लिक है कि ये वैक्सीनेशन जो जनवरी 20 से स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी 20 टू फरवरी 20 एक महीना में हम लोग ये देखा था डाटा रजिस्टर, तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं आया था, लेस देन 1% था, मैंने जो जो आदमी वैक्सीन ले चुका है। तो अभी जनवरी से अभी आज तो मई हो गया, तो इतना महीना में भी अभी कल रजिस्टर देखा था तो बोडुमसा का पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट 30,000। तो 30,000 में से अभी तक जो टोटल वैक्सीनेटेड है ऑलमोस्ट 2,600 ऐसा है। तो परसेंटेज देखा जाए तो वो भी बहुत ही कम है, 8 to 9% ऑफ द पॉपुलेशन ही अभी तक वैक्सीनेटेड हुआ है। तो मेरा तो यही अपील है कि आप लोग जितना भी अनवैक्सीनेटेड है, हॉस्पिटल में तो अबव 45 ईयर्स का अवेलेबल है वैक्सीन, आके ये वैक्सीन ले लीजिए। सिर्फ 18 to 44 एज ग्रुप का वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अबव 45 अभी भी बहुत है जो अनवैक्सीनेटेड। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी ये सब वैक्सीन लेना था। फ्रंट लाइन वर्कर्स भी अभी भी बहुत ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आके ले लीजिए अपना वैक्सीन। और हाँ, बहुत सारा पब्लिक टीका उत्सव भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था अप्रैल में, जिसमें मेडिकल टीम बस्ती बस्ती जाके चर्च में या स्कूल में पूरा बस्ती वाला को बुला के वैक्सीन दिया था। फिर अप्रैल के बाद मई में भी एक दिन हुआ था बस्ती बस्ती जाके। तो पब्लिक का ऐसा हो गया कि नहीं, हम तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा वैक्सीन लेने, क्योंकि अगला हफ्ता या कोई ना कोई दिन तो मेडिकल हम लोग का बस्ती आ ही रहा है वैक्सीन लेने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए, आप लोग जितना चाहो मेडिकल जाके ले लीजिए वैक्सीन। हाँ, इसमें कोई कोई ऐसा है, हम लोग डाटा में देखा है कि स्पेशली जो आदिवासी बस्ती है या टी गार्डन का जो लेबरर्स है, वो लोग मैंने बहुत कम परसेंटेज में वैक्सीनेट हुआ है, क्योंकि वो लोग तो बस्ती हॉस्पिटल से दूर है और हॉस्पिटल आने के लिए भी ये साइकिल मैंने कुछ भी है ही नहीं, ये आने जाने का ना बस है ना साइकिल। तो हाँ, उनका प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि कौन सा बस्ती का सबसे कम है, तो मेडिकल टीम डिसाइड करेगा कि ऐसा बस्ती को तो मैंने बस्ती बस्ती जाके ही वैक्सीनेट करेगा। तो हाँ, लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि जिसका आने का साधन है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आके ले लीजिए, वेट मत कीजिए कि मेडिकल टीम बस्ती में आएगा। लेकिन जो जो गरीब बस्ती है जिनका पब्लिक हॉस्पिटल आने का बहुत प्रॉब्लम है, तो उनका तो हम लोग एम्बुलेंस से या बस जाके बस्ती बस्ती देने का प्लानिंग ऐसा कर रहा है, और ऐसा नेक्स्ट वीक में हम लोग ऐसा बस्ती में जाके वैक्सीनेट कराएगा ऐसा पब्लिक को। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेगा सर, ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हो रहा है अभी, स्वैब टेस्टिंग हो रहा है, एंटीजन टेस्ट हो रहा है, सर उसके ऊपर में थोड़ा कुछ बता दीजिए कि मतलब आप लोग आज तक कहाँ कहाँ कर चुका है और आने वाले दिनों में भी सब बस्ती में होगा क्या? नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो जो रैंडम टेस्टिंग में जितना भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है उनका, ये पॉजिटिव पेशेंट को हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, हम लोग का ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, तो वो जिस जिस का साथ कॉन्टैक्ट में था लास्ट 1 वीक या लास्ट 10 डेज में, तो वैसा जिस जिस का साथ कॉन्टैक्ट था उसका लिस्ट बना के सबको बुला के टेस्टिंग करता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। पर सर, ये जो 18+ का जो है बेनिफिशरी, उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि वो कहाँ जाके वैक्सीनेट करें, जैसे हमारे बोडुमसा सर्कल के 18+ बेनिफिशरी से, तो सर उनका ऊपर कुछ कहें? उनका तो यही है कि ये 18 to 44 का जो वैक्सीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड से खरीद रहे वो, और ये अबव 45 एज का जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि सर मियो में है, मियो में 18+ का अवेलेबल है, बोडुमसा में नहीं है, हाँ ये हाँ किस वजह से सर? वो वही बताएगा। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 65 करोड़ ऐसा का बजट रखा था 18 to 44 एज ग्रुप का वैक्सीन खरीदने के लिए। तो वो लोग एस्टिमेट किया था कि ये एज ग्रुप में
कम से कम 4 लाख डोज लगेगा पूरा अरुणाचल स्टेट के लिए। तो 4 लाख डोज में से जो तो 20,000 फॉर द होल अरुणाचल में से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला है ओनली 2,000 डोज। तो ये 2,000 डोज तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन तो 1 लाख से ज़्यादा है और 2,000 डोज पूरा ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए तो सफिशेंट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ये चांगलांग हेडक्वार्टर एरिया और मियाओ एरिया के लिए सप्लाई किया है सिर्फ ये दो हॉस्पिटल के लिए। बोडुमसा तो शायद सेकेंड बैच में अगर वैक्सीन डोज मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने से नेक्स्ट बैच में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा, इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।